श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक नसरुल्लागंज द्वारा विचार गोष्ठी का किया आयोजन। 8 नए बने श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य, कोषाध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारिणी का हुआ गठन। रविवार को नगर के भोपाल रोड स्थित राधे राधे रेस्टोरेंट में श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई नसरुल्लागंज द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वही इस दौरान 8 नए सदस्यों ने मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की सदस्यता ली। ब्लॉक इकाई के नेतृत्व में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला उपाध्यक्ष अमित शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन में नए सदस्यों को श्रमजीवी पत्रकार संघ की सदस्यता दिलाई गई। वहीं इस दौरान 2 सदस्यों को पद नियुक्त किए गए, जिसमें संजय कलमूर को कोषाध्यक्ष व दिव्यांश राठौर को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। सभी नए सदस्यों को सदस्यता प्रभारी धर्मेंद्र विश्वकर्मा द्वारा सदस्यता दिलाई गई। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ नसरुल्लागंज से राजेश पवार की रिपोर्ट। आज इस प्रकार ये कार्यक्रम रखा गया था, तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जिला अध्यक्ष राव लाला जी हैं, उनके निर्देशन में ये एक सदस्य अभियान जो चला जा रहा है श्रमजीवी पत्रकार संघ का, तो उसके संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा था। इस दौरान हमारे जो यहाँ पे पूर्व में हमने 4 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एक संघ जो ब्लॉक इकाई नसरुल्लागंज का गठन किया गया था, उसमें अपने संतोष जी मीना जो है उनको ब्लॉक अध्यक्ष के साथ पूरा ब्लॉक का गठन किया गया। उसमें धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी यहाँ के प्रभारी जो हैं, सदस्यता प्रभारी, उनको ये दायित्व दिया गया कि किसी प्रकार ये संगठन को बढ़ाया जाए। तो उनके निर्देशन में सब लोगों ने काम किया, पूरा संगठन मिलके काम करते हुए यहाँ के 8 जो पत्रकार थे उनको जोड़ा गया, और जोड़ने के साथ उनको सदस्यता दिलाई गई इस कार्यक्रम के दौरान। और उनमें से 2 सदस्य, एक संजय कलमोर जी है, तो उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया, पद भी दिया गया उनको, और उसके साथ एक दिव्यांश राठौर जी है उनको कार्यकारी सदस्य बनाया गया। इसमें मैं सबसे पहले तो ये सदस्य यहाँ पे आज ज्वाइन करा है उन्होंने श्रमजीवी पत्रकार संघ, उनको मैं बधाई देता हूँ, और उसके साथ धर्मेंद्र जी को भी बधाई देता हूँ, धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी को, जो उनका एक बहुत संघर्ष रहा जो इन सबको जोड़ा उन्होंने, और उसके लिए वो एक आभार के पात्र भी है। उसके साथ ही आज एक नई बात भी हमने सभी पत्रकारों के बीच में रखी, करीबन ये माना जाए कि तहसील का सबसे बड़ा संगठन इस समय श्रमजीवी पत्रकार संघ नसरुल्लागंज का हो चुका है। तो उसमें जब बड़ा हो गया तो उसमें सदस्य भी हैं, तो किस सदस्य को किस प्रकार से एकजुट रहना है, क्या काम करने हैं, सबको अपना अपना दायित्व समझाया गया है। तो ये सब बातों का अभी इसमें विशेष ध्यान ये भी रखा गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी या जिला अध्यक्ष जी जो निर्देशन वहाँ से दे रहा है उनका पूर्णतः पालन किया जाए। वहीं में हमारे पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप जी चौहान, उनसे भी हमारा बराबर संपर्क रहता है, उनके भी निर्देशन संगठन को कहीं ना कहीं बढ़ाने के हमेशा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी, उनकी बात को भी इसमें रखते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक संगठन को बड़ा स्वरूप देने की जो कोशिश संतोष मीना जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनके द्वारा की जा रही है, इन सबके मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते सबको आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज 25 सदस्य का एक बड़ा संगठन मतलब तहसील स्तर पर बनाया। इसके लिए सभी यहाँ ब्लॉक इकाई के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब आभार